रुड़की में चारधाम यात्रियों से अवैध वसूली का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर आला अफसरों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिनेश शासनी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। नगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास आए थे और आज हमने इसे भरपूर तरीके से मुद्दे को उठाया कि भाई एआरटीओ प्रशासन जो है और उसमें कार्रवाई करे। कांग्रेस का आरोप है कि चारधाम यात्रा में वाहनों से फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के आदेश को दरकिनार कर ऑफलाइन वाहनों की फिटनेस आदि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हिंदुओं की सबसे बड़ी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी चारधाम यात्रा है, जिसकी शुरुआत गाड़ियों के और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। जिस यात्रा की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार हो, जिस यात्रा में महिलाओं के लिए कोई शौचालय ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, गाड़ियों के जो है वहाँ पार्किंग की ना हो, कोई अस्पताल ना हो, आज पहली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सालों से यात्रा हो रही, पहली बार जो है इन्होंने नए डॉक्टर्स जो है वहाँ अपॉइंट किए। ये भ्रष्टाचार आपके सामने है, मीडिया के माध्यम से हमने संज्ञान लिया और हम इस सरकार को और इस विभाग को और इस RI रुड़की को आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि या तो वो अपनी कार्य प्रणाली सुधार लें, वरना मजबूर होकर मैं उनके खिलाफ जो है एक जोरदार धरना प्रदर्शन अपने तमाम सहयोगियों साथियों के साथ करना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि जो सरकार स्वयं को हिंदुओं की सरकार बता रही है, वह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को अवैध वसूली का साधन बनाते हुए हिंदुओं की जेब काट रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विभाग ने अवैध वसूली को नहीं रोका तो कांग्रेस इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। जो लोग उगाई का काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कहानी करते थे, डबल इंजन की सरकार लगातार हिंदुओं को जो है कहती थी कि हम उन्हें लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे ही उगाई का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है जो सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और उनमें आने वाले लोगों को अगर ऐसे तंग किया जाएगा कि 400 रुपए की जो रसीद करनी चाहिए उसमें 1200 1500 या 2000 3000 ले जाएंगे, बड़ी शर्मनाक की वो है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जो है राजेंद्र चौधरी जी ने हमारे महानगर अध्यक्ष बहुत कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो महानगर रुड़की जो है कांग्रेस की, वो इस पे जो है संज्ञान लेते हुए जो है धरना प्रदर्शन भी करेगी और भूख हड़ताल पे भी बैठेगी। कांग्रेस की शिकायत पर अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिनेश शासनी ने कहा कि शिकायत पर संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी लोग अवैध वसूली में शामिल पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहिए एआरटीओ के संबंध में हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए अभी एआरटीओ मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे। चारधाम यात्रा में यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए धामी सरकार ने इस बार नियम सख्त किए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कांग्रेस ने सरकारी विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अगर तीर्थयात्रियों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है तो इस मामले पर गंभीरता से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की जेब पर कोई भी डाका न डाल पाए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।